अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के मैच के स्टार जो बैटिंग स्टार थे इमाम उल हक साहब, उन्होंने कल मैच के बाद जो पीसीबी ऑफिशियल से कॉन्वर्जेशन की थी अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक और ओवरऑल जो मैच था उसके मुताबिक, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि प्रोसेस अच्छा रखें अपना और ज़्यादा सोचें ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए हम मैचेस खेलें। और आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है कंडीशंस को, बिकॉज़ नॉर्मली लाहौर की विकेट इस तरह से बिहेव नहीं करती है और अच्छा बिहेव करती है। अभी है कि थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ी सी कंडीशंस मुश्किल थी, तो आपको इस हिसाब से खेलना पड़ता है। और मैं वैसे भी अपना टाइम लेके खेलता हूँ, बिकॉज़ वन डे क्रिकेट बहुत बड़ी होती है और हमारे जो टॉप थ्री हैं, हमारा यही मेन गोल होता है कि हमें वहाँ पर स्टे करना है विकेट पर। एंड कंडीशंस को भी ऑब्वियसली आपको देनी पड़ती है, जब कंडीशंस इतनी अच्छी ना हो बैटिंग के लिए तो आपको थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा ठहर के खेलना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ। आज भी अगर आप देखें तो दो बहुत क्लोज LBW के चांसेस थे और उससे मैंने सर्वाइव कर लिया, और ये इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे मज़ीद, उन्होंने कहा कि हमारा बस यही माइंडसेट होता है कि मैं, फ़खर या बाबर, हम तीनों में से कोई एक 40th ओवर तक ज़रूर जाएगा और फिर इसके बाद है कि सब बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उनके राउंड आके खेलेंगे। व्हेन नीडेड एक्सेलरेट करेंगे, व्हेन नीडेड हम जो है वो विकेट पे स्टे करने की कोशिश करेंगे। और जो इस टीम में पर्सनल माइलस्टोन्स के बारे में हम नहीं सोचते, हम टीम के लिए सोचते हैं। और नॉट आउट रहने का या नॉट आउट करने का जो हमारी स्ट्रैटेजी थी पहले, वो हमने लीड कर दी है। अगर मैं चाहता तो आज मैं नॉट आउट वापस आ सकता था 90 पे या 95 पे, बट हमारा एक यही मैसेज था ड्रेसिंग रूम से कि हमें 35 ओवर तक मैच फिनिश करना है। दैट्स वाई हमें उसको, उस प्लान को भी रिस्पेक्ट देनी थी। इस वजह से थोड़ा सा फास्ट खेलने के उसमें आउट हो गए, बट डजेंट मैटर। अब हम अपनी अप्रोच चेंज कर रहे हैं, वी वांट टू प्ले फियरलेस क्रिकेट। एंड जो नॉट आउट रहने का जो एक सिनारियो था पहले, उस पर हम इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वी आर नंबर वन साइड राइट नाउ, तो हमें इसी तरह से खेलना पड़ेगा। और मैं, उन्होंने कहा कि इजीली जैसे है कि मैं कर सकता था, नॉट आउट आ सकता था और 100 भी हो जाती, बट जो हमें टास्क दिया गया था हमें उस पर भी स्टिक रहना था, उसे भी रिस्पेक्ट देनी थी। और अगेंस्ट इंडिया उन्होंने कहा कि हमारा वही माइंड सेट है, हमें वही बॉल खेलनी है, बैट्समैन एज अ बैट्समैन हमें वही बॉल खेलनी है और एज अ बॉलर हमारे बॉलर्स को बैट्समैन को बॉल डालनी है। ऑब्वियसली हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यस ही सेड यस देयर इज़ अ क्वालिटी साइड अगेंस्ट यू, बट वी इन्जॉय एवरी मैच। और ये जो माइंड सेट है राइट नाउ, जो ये बिल्डअप हुआ है माइंड सेट, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्पायर करता है। बिकॉज इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, एज आई ऑलवेज सेड कि जस्ट इसको नॉर्मलाइज कर दो, ये इतना ज़्यादा इसको बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। प्लेयर्स पे एडेड प्रेशर ही ऑब्वियसली हम डालते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को इतना बड़ा हवा बना देते हैं और ये है और वो है एंड ऑल दैट। और ये जो परसेप्शन अब जो टीम का है कि हम एज एन ओपोनेंट ले रहे हैं इंडिया को, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और जिस तरह से पहले भी, और यही बात है कि एक नरेटिव है टीम का और सब उसी पे गामजन है, सबकी बातों में, सबकी इंटरव्यूज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या कॉन्वर्जेशंस में उनकी कोऑर्डिनेशन नज़र आती है। यानी एक बंदा जो बात कहता है वही बात दूसरा बंदा भी कह रहा है। यही बात बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि जब अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए वो जा रहे थे, जब भी वही अगेंस्ट इंडिया, अभी तो बेचारे जहाँ जाते हैं अगेंस्ट इंडिया मैच के बारे में ही सवालात होते हैं। रोहित शर्मा ने तो तंग आके कह दिया कि अब मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैंने लास्ट टाइम दिया है। एनीवेज ये अगेंस्ट इंडिया है कि इसको नॉर्मल कर देना चाहिए, इट्स जस्ट अनदर गेम ऑफ क्रिकेट, नॉट एनीथिंग बिग अबाउट इट। और ऑब्वियसली सबकी नज़रें होती हैं, ग्रेटेस्ट राइवलरी है, बट प्लेयर्स के लिए आई थिंक इसको नॉर्मल ही रहने देना चाहिए प्लेयर्स को, और वही हमारे प्लेयर्स अब कर रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रही थी कि एक नरेटिव पे टीम चल रही है, यही बाबर आजम ने कहा था
कि हम इंडिया में खेलने जा रहे हैं, जस्ट इंडिया से खेलने नहीं जा रहे, बाकी और टीम्स भी हैं, हम उन सब के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ही हम फाइनल में जाएंगे। और यही बात वक्तन फवक्तन जो भी आया है मीडिया के सामने, उन्होंने यही बात की है कि हम मैच टू मैच खेल रहे हैं, हम फोकस हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और है कि अगेंस्ट इंडिया भी हम इसे एक नॉर्मल मैच ही ले रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये चीज़ नज़र आती है हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में। अभी भी जो हमने मैच खेला था जो बेनतीजा रहा था, तो उसमें भी टीम वाज कॉन्फिडेंट, बाबर आजम वाज कॉन्फिडेंट, एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। दैट ऑल वी नीड विद आर टीम। और वही बात है कि हम जो बहुत ही पहले से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज पहले कैसी होती थी, किस कदर प्रेशर में खेल रहे होते थे, एंड नाउ बिकॉज ऑफ बाबर आजम जो माइंड सेट जो उन्होंने टीम को दिया है, जो नरेटिव उन्होंने टीम को दिया है, इट्स ट्रूली रिमार्केबल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।